पापा बहुत भूख लगी है। पीकू लगता है गैस खत्म हो गई है। तो आज खाना नहीं मिलेगा। माँ माँ गैस खत्म हो गई है। अरे खाना बनाने के और भी तरीके होते हैं। चलो आज पुराने स्टाइल में खाना बनाते हैं, कोयला जला के। अरे वाह, हम तो सब्जियाँ भून के भी खा सकते हैं। यम्मी। इतने से खाना बन जाएगा? अरे इनसे क्या होगा, मैं कोयला लेकर आता हूँ, लेकिन इसके ऊपर लोहे की जाली चाहिए सब्जियां रखने के लिए। अरे वो आप मुझ पे छोड़ दो पापा प्यारी। पीकू तुम तेल और मसाले ले आओ। खाना नहीं, इसे कहते हैं बारबेक्यू। बहुत भूख लगी है, मुझे चक्कर आने वाले हैं। पीकू ये लो तेल और मसाले का मिक्स, चलो तुम हर एक सब्जी पे लगाना शुरू करो। हाँ हाँ मैं लगाऊंगा। टुकी मेमे जाओ इन सब्जियों को पीकू तक पहुंचा दो। एक दो तीन चार, सारी सब्जियां तैयार। इंतजार का फल टेस्टी होता है। झुनझुना अभी मेरे साथ खेल कूद नहीं बच्चों, मुझे खिलौने बनाने जाना है। अरे वाह, आप अपनी वर्कशॉप में जा रही हो? हाँ, आज बहुत सारे खिलौने बनाकर देने हैं। खिलौने? हम भी चलें माँ? प्लीज प्रॉमिस, बिल्कुल भागा दौड़ी नहीं करेंगे। वैसे तुम दोनों मेरी मदद कर सकते हो, चलो मेरी खिलौनों की वर्कशॉप में। यस 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 यस। कितने सारे झुनझुने। अरे ये तो बजता ही नहीं। हाँ
वही तो तुम दोनों का काम है। ध्यान से देखो अभी। चार दाने चावल और चार दाने उड़द। अब आएगी आवाज। मजेदार। झुन झुन। ऑल राइट, तो मैं सारे ढक्कन टाइट करूंगी और तुम दोनों सब खिलौनों में चार चार चावल और उड़द के दाने डालना, ठीक है? ठीक है। एक दो तीन चार। एक दो तीन चार। ढक्कन बंद। क्या हुआ पीकू? टूकी ने सब गड़बड़ कर दी। इसने बिना दाने डाले ही ढक्कन बंद कर दिया। बंद? बिना दाने के बंद नहीं करने थे टूकी। चलो कोई बात नहीं, हम बिना दाने वाले झुनझुने अलग करते हैं। टूकी, जब तक झुनझुन नहीं सुना कैसे बनेगा झुनझुना?